सो हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है फैमिली वर्ड्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैंने छोटा सा क्लाउड बनाया है और उसमें ढेर सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो हमें इन वर्ड्स को सेग्रीगेट करना है। तो हम ऐसे सेग्रीगेट करेंगे। यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है AM, AT, AN, ED, EN, ET। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, हमें इन्हीं वर्ड्स को सेग्रीगेट करके इनके नीचे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे लिखा है AM, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, AM वाले वर्ड ढूंढने हैं। यहाँ पे लिखा है AT, तो हमें AT वाले वर्ड्स ढूंढने हैं। यहाँ पे लिखा है AN, हमें AN वाले वर्ड्स ढूंढने हैं। यहाँ पे लिखा है ED, हमें ED वाले वर्ड्स ढूंढने हैं। EN, EN वाले वर्ड्स, और ET, यहाँ पे ET वाले वर्ड्स ढूंढने हैं। तो चलिए मेरे साथ शुरुआत करते हैं, और ऐसे ही आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो इसको करने में। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक हो जाता है बच्चों के लिए क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को वैसे ही जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ, आप अगर अपने बच्चों को वैसे ही सिखाएंगे तो आपके बच्चे इसे ईजिली कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है AM, तो अभी आप अपने बच्चों को बताएंगे कि उनको जो है सबसे लास्ट वाले वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है AM, तो आप अपने बच्चों को बताइए कि जहाँ पर लास्ट में AM आ रहा है उनको उसी के नीचे लिख देना है। जैसे यहाँ पे है YAM, कैम, तो यहाँ पे AM आ रहा है। और आप अपने बच्चों को ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है ED, तो क्या हम ED को AM के नीचे लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि AM और ED अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, AM के नीचे AM वाले वर्ड्स को ही लिखना है, AT के नीचे AT वाले वर्ड्स को ही लिखना है। जैसे हैट, हम नेट को नहीं लिख सकते AT के नीचे। तो ऐसे ही हमें अपनी वर्कशीट पूरी करनी है। जैसे कि AM के नीचे AM वाले वर्ड, जैसे AM, अब हम दूसरा वर्ड ढूंढेंगे AM वाला, ये हो गया जैम, जैम एंड जैम। ओके, अब हम लोग AT वाला वर्ड्स ढूंढते हैं। मैंने एक ऑलरेडी ढूंढा हुआ है, जैसे कि हैट। अब हमें AT वाला वर्ड्स और ढूंढना है, AT, तो ये हो गया कैट, CAT, कैट। अब AN वाला वर्ड्स, AN, पैन, AN, वैन। अब ED वाला वर्ड हमें देखना पड़ेगा, ED वाला वर्ड ED, बेड, तो हम ED के नीचे लिख देंगे बेड, और ED, फेड, ED। अब EN में EN वाला वर्ड लिखेंगे, MEN, मैन, EN, पेन, PEN, पेन। ये हो गया। अब हमें ET वाला वर्ड ढूंढेंगे, तो ET में हमारे जो वर्ड्स बच जाएंगे, जैसे कि वेट, ET, सबसे लास्ट हो गया नेट। तो ये रहा हमारा फैमिली वर्ड्स। ये इसी के साथ हमने वर्कशीट भी पूरी कर ली है, लेकिन आप अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाइए कि आप AM के सामने आप लास्ट में देखेंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है। लास्ट में अगर AM आ रहा है तो ही हम यहाँ पे लिखेंगे, वरना हम नहीं लिखेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट पूरी हो रही है। होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।